हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बेटा जिस लेसन का जो स्टडी कर रहे हैं वो बेटा हमारा क्या है, हेलोइल्केन है। ठीक है, हेलोइल्केन और हेलोरीन का जो चैप्टर हमारा बेटा, उसमें हेलोइल्केन के में हम लोगों ने लगभग बहुत सी चीज़ों के बारे में कवर कर लिया है। ठीक है ना, आज हम लोग बेटा जानेंगे कि जो हमारा हेलोइल्केन है, जिसको सामान्यतः अपने बताया था कि एल्किल हैलाइड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं बेटा? एल्किल हैलाइड के नाम से जानते हैं। तो एल्किल हैलाइड का बेटा हम क्या करने वाले हैं आज, है नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं, यानी किस प्रकार से एल्किल हैलाइड का हम लोग नामकरण करते हैं। ठीक है ना, तो जो एल्किल हैलाइड का अगर हमें नामकरण करना होता है तो इसके लिए बेटा हम एक पद्धति पढ़ते हैं, आप इसको जानते हैं, उसका नाम होता है बेटा आईयूपीएसी पद्धति। कौन सी पद्धति बेटा? आईयूपीएसी पद्धति। तो आईयूपीएसी पद्धति के तहत बेटा जो हमारा एल्किल हैलाइड होता है, इसको बेटा हम लोग हैलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलो एल्केन। जैसा कि हमारा लेसन भी है, ठीक है बेटा, ये हमारा लेसन भी है, पार्ट भी है, हम जान रहे हैं अच्छी तरीके से। तो आईयूपीएसी के थ्रू अगर हम बेटा बात करें, हमारा जो एल्किल हैलाइड जिसको आरएक्स हम लोग कहते हैं, इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं बेटा? हैलो एल्केन कहते हैं। यहाँ पर हैलो का मतलब बेटा क्या होता है? हैलोजन से मतलब होता है, और हैलोजन का जो सिंबल मैंने बताया था आपको बेटा एक्स होता है। ओके, ये बेटा हमारा फ्लोरीन भी होगा, क्लोरीन भी होगा, ब्रोमीन होगा, और बेटा क्या हो सकता है बेटा? आयोडीन। अगर एल्केन में हाइलोजन के रूप में बेटा फ्लोरीन जुड़ा है, जिसको बेटा आप लोग फ्लोरो कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? फ्लोरो। ओके, अगर क्लोरीन का यूज किया जाएगा बेटा आईपीसी के तहत, जिसको बेटा आप लोग क्लोरो कहेंगे। ओके, अगर ब्रोमीन अगर आप लिखेंगे बेटा तो आप इसको बेटा ब्रोमो कहना। अगर आयोडीन का यूज किया जाए तो इसको बेटा हम लोग जो है आयोडो कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे? आयोडो कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हाइलोजन का नाम लिखेंगे, इसके बाद एल्केन में जो कार्बन की संख्या उसको काउंट करके बेटा उसके आगे लिख देंगे बेटा। बात समझ में आ रहा ना? तो एल्किल हैलाइड को जो आईयूपीएसी में बेटा हम लोग क्या कहते हैं? हैलो एल्केन हम से जानते हैं। हैलो का मतलब बेटा हाइलोजन से होता है, जो हमारे चार प्रकार के हैलोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, और बेटा हमारा क्या है? आयोडीन है। अगर ये कहीं आपको किसी एल्केन में जुड़े हों तो उसको आप जब आईपीसी का नाम लिखना, तो सबसे पहले हाइड्रोजन का नाम लिखना बेटा, और बाद में कार्बन की काउंटिंग कर देना, इसके बाद उसको एल्केन के नाम से लिख देना बेटा। तो अगर हाइड्रोजन के रूप में बेटा फ्लोरीन है तो उसको फ्लोरो कहना, क्लोरीन है तो बेटा क्लोरो कहना, ब्रोमीन है तो ब्रोमो कहना, और आयोडीन होगा तो क्या कहना बेटा? आयोडो कहना बेटा। ओके, तो हमने ये सीखा कि एल्किल हैलाइड को आईयूपीएसी में बेटा क्या कहते हैं? हैलो एल्केन के नाम से जानते हैं बेटा। तो आइए हम लोग जो है अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके माध्यम से हम समझते हैं कि बेटा इस जो एल्किल हैलाइड का आईयूपीएसी नाम कैसा लिखा जाता है बेटा। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में बेटा सबसे पहला ले लिया, वैसे भी आप जानते हैं CH3 ले लिया बेटा, Cl ले लिया बेटा। जैसा कि इसका सामान्य नाम बेटा मेथिल क्लोराइड है, लेकिन इसका हमें जो नाम लिखना है आईयूपीएसी लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप हाइड्रोजन को लिखेंगे बेटा, तो हाइड्रोजन के रूप में बेटा क्या? Cl है, तो इसको क्या कहेंगे बेटा? क्लोरो। और चूंकि कार्बन के रूप में बेटा एक कार्बन है, तो कोई एल्केन को फॉर्म में लिखे तो एक कार्बन के लिए बेटा आपने क्या कहा बेटा? मेथिया मेथिन। तो इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा बेटा? क्लोरो, आगे बेटा क्या हो जाएगा? मेथिन, क्लोरो मेथिन। ओके, उसी प्रकार से बेटा CH3 लिखिला, CH2 लिखा मैंने बेटा, ब्रोमीन लिखा है। तो चूंकि कार्बन की संख्या 1 और 2 है, और चूंकि हाइड्रोजन ग्रुप में बेटा हमारा क्या है? ब्रोमीन है, तो हो जाएगा इसका नाम ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। बात समझ में आ रहा है ना? तो हैलो एल्केन का मतलब यही है कि सबसे पहले हैलोजन का नाम लिखना है बेटा, बाद में कार्बन की संख्या को देख करके बेटा उसके नाम लिख देना। उसी प्रकार से CH3, CH2, CH2, Cl, 1, 2, 3 कार्बन। 1 पर बेटा Cl लगा तो क्लोरो, यानी 1 क्लोरो, या सिर्फ क्लोरो कह सकते हैं। और चूंकि कार्बन की संख्या 3 दिखाई दे रहा था बेटा, 3 के लिए बेटा आप क्या कहेंगे बेटा? फ्रोपेन कहें। बात समझ में आ रहा ना? तो बड़े आराम से जो है आप सिंपल सा अगर स्टेट चेंज की बात करें, सबसे पहले हाइड्रोजन का नाम लिखना, और बाद में कार्बन का काउंट करना, इसके बाद उसका नाम बेटा क्या कर देना? लिख देना। ठीक है, उसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। जैसे लिखा मैंने CH3, CH से बेटा क्या लगा दिया बेटा? ब्रोमीन लगा दिया, और यहां पर मैंने लिख दिया बेटा CH3। ठीक है, तो लॉन्ग चेन का जब चुनाव करेंगे तो बेटा 1 कार्बन 2 कार्बन और कितना कार्बन होगा? 3 कार्बन। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को लिखेंगे, कितने नंबर पे आ रहा है? 2। तो 2 पर जो ब्रोमीन जुड़ा है, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो। क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो। और 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए बेटा आप एल्केन के फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? प्रोपेन हो जाएगा।
बस समझ में आ रहा है ना। तो बड़े आराम से जो है आप नॉर्मल क्लेचर बेटा जो है कर सकते हैं। उसी प्रकार से CH3 CH2 CH से बेटा मैंने लिखा दिया है आई CH, फिर बेटा मैंने क्या लिखा CH3, फिर मैंने लिख दिया बेटा CH2, इसके बाद क्या बेटा लिख दिया है CH3, कुछ ऐसा मैंने नाम लिखा है जिसका IUPAC नाम लिखना हमें है। तो सबसे पहली बात ये देखना है कि जो हमारा क्रियात्मक समूह है वो बेटा नज़दीक आए, जिधर से भी काउंटिंग करें इधर से काउंटिंग करेंगे बेटा 1, 2, 3, 4 कार्बन, इधर से करेंगे 1, 2, 3 कार्बन। तो नॉर्मल क्लेचर बेटा हम इधर से करेंगे राइट के लेफ्ट, लेफ्ट साइड से, तो 1, 2, 3, 4, 5 और बेटा क्या हो गया 6 हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर आप इसका IUPAC नाम लिखना चाहें अच्छी तरीके से तो आप देखें बेटा आयोडीन में सबसे पहले अल्फाबेट आई आएगा और CH3 को बेटा पार्स ग्रुप में बेटा मेथिल में बेटा क्या आता है बेटा EM आता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर इसका IUPAC नाम लिखे तो अल्फाबेट में पहले आई आता है, पहले EM आता है, क्या आएगा आई आएगा ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कितने नंबर पर, 3 नंबर पर, तो हो जाएगा 3 iodo। ओके 4 पर बेटा क्या हमारा है मेथिल, तो 4 क्या हो जाएगा मेथिल, और टोटल कितने कार्बन 6, 6 का मतलब क्या हो जाएगा हेक्सेन हो जाएगा। ओके तो बड़े आराम से आप जो है मोनो हेलोएल्केन जो नॉर्मल क्लेचर हमने किया है बेटा बड़े आराम से इसको बेटा यहाँ पे समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि किस प्रकार से IUPAC नाम एल्किल हैलाइडों का बेटा लिखा जाता है। अगर मैं कुछ इस फॉर्म में लिखूं बेटा, मान लीजिए CH3 लिखा है CH डबल बॉन्ड CH, फिर मैंने लिखा बेटा CH से बेटा यहाँ पर CH3 लगा दिया। ओके और मान लीजिए बेटा यहीं से मैंने मान लो लगा दिया है ब्रोमीन को लगा दिया बेटा, फिर इसके बाद मैंने क्या लगा दिया बेटा CH3 लगा दिया। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें इसमें डबल बॉन्ड भी आपको दिखाई दे रहा है बेटा और इसमें ब्रोमीन भी एक हैलोजन है जो कि जुड़ा हुआ है। तो अगर ब्रोमीन और बेटा यानी हैलोजन और डबल बॉन्ड में अगर देखें तो जो श्रेष्ठता होती है बेटा वो डबल बॉन्ड की होती है। किसकी होती है श्रेष्ठता, डबल बॉन्ड की। तो डबल बॉन्ड जिससे नजदीक मिलेगा नॉर्मल क्लेचर भी उधर से हम करेंगे, इधर करेंगे तो 1, 2, 3 कार्बन, 1 और 2 कार्बन, इसका मतलब ये वाला जो रूट है ये बेटा हमारा सही होगा, 2, 3, 4 इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा 5 कार्बन। समझ में आ रहा है ना। और 4 पर बेटा ब्रोमीन भी लगा है बेटा, यहाँ पर क्या है CH3 है। तो अगर बेटा हमें पार्स ग्रुप में बेटा आसमान दिखाई देते हैं तो हम अंग्रेजी के वर्णमाला का यूज करते हैं, तो ब्रोमीन बेटा बी आता है और मेथिल बेटा क्या आता है एम, तो पहले बी के पहले एम, पहले बी, तो क्या हो जाएगा बेटा 4 कार्बन पर बेटा हमारा हो जाएगा ब्रोमो। ओके और 4 पर ही हमारा क्या है मेथिल, 4 मेथिल। अब कार्बन की संख्या के साथ बेटा जो डबल बॉन्ड होता है बेटा आपने पढ़ा होगा बेटा उसको एन के नाम से जानते हैं, तो 5 कार्बन के लिए हो जाएगा पेंट, कितने नंबर पर, 2 नंबर पर, तो 2 इसके बाद क्या लगा देंगे बेटा एन। तो ये इसका IUPAC नाम रहा स्ट्रक्चरल फार्मूले का बेटा, 4 ब्रोमो 4 मेथाइल, पेंट माने 5 कार्बन 2 इन यानी दूसरे नंबर पे बेटा इन है, इनका मतलब क्या हो गया बेटा हमारा डबल बॉन्ड हो गया बेटा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है एल्किल हैलाइड का जो नॉर्मल क्लेचर होता है उसको किस प्रकार से किया जाए इसके बारे में हम लोगों ने बेटा कुछ जाना बेटा, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जो है हैलोएल्केन को नॉर्मल क्लेचर कैसे किया जाता है कुछ एग्जांपल को लेकर के हम लोगों ने बेटा क्या कर लिया है समझ लिया बेटा। अब जब हम इसको पढ़ लेते हैं तब आता बेटा कि हम जो मोनो हैलोएल्केन है इसको हम किस प्रकार से बेटा बनाते हैं इसको पढ़ेंगे, फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बाद में केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसके बाद इसका बेटा क्या होता है यूज होता है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग हैलोएल्केन को किस प्रकार से बनाते हैं इसके बारे में बेटा हम लोग जानते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा मेथड यानी प्रिपरेशन ऑफ मोनो, हमें बेटा मोनो को पढ़ना है ना तो डाई हैलोजन को पढ़ना है ना ट्राई हैलोजन को पढ़े, जो हमारे सिलेबस में रखा गया है वो केवल किसको पढ़ना बेटा हमें मोनो हैलोजन को पढ़ना। तो हम भी लिख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ मोनो हैलो एल्केन्स यानी मोनो हैलो एल्केन को हम किस प्रकार से बेटा बनाएंगे इसके बारे में आइए हम लोग बेटा जानते हैं। तो मोनो हैलो एल्केन का मतलब इसमें हैलोजन की संख्या कितनी होती है बेटा एक होती है वो हम जानते हैं उसको मोनो हैलो एल्केन के नाम से जाना जाता है और जनरल फार्मूला बेटा आप जानते हैं RX होता है। तो आइए हम लोग कुछ
टेक्निक का यूज करके, कुछ मेथड का यूज करके बेटा हम जो है एल्किल हाइड को बेटा क्या करते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहली जो मेथड है बेटा है वो हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाई एल्कोहल। बाई एल्कोहल, ओके, यानी मोनोहाइलो एल्केन को हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहली जो मेथड हमारी जो हम जानना चाहते हैं वो हमारा किससे बेटा है, एल्कोहल से बेटा। तो हम एल्कोहल से बेटा जो है मोनोहाइलो एल्केन को बेटा कई टेक्निक से, कई विधियों द्वारा बना सकते हैं बेटा। सबसे पहले अगर हम एल्कोहल में बात करें ए पॉइंट, तो हम बेटा बाई रिएक्शन विथ, मैं इसी के अंदर पढ़ रहा हूं बेटा, रिएक्शन विथ पीसीएल फाइव से बेटा। एल्कोहल में जो पहली हेडिंग है, एल्कोहल से हम क्या इसकी रिएक्शन करें, एल्कोहल किसके साथ करें कि इससे हमें क्या मिले, मोनोहाइलो एल्केन बने, तो इसी के अंतर्गत पहली जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो हमारा बेटा किससे, पीसीएल फाइव से है। यानी पीसीएल फाइव की रिएक्शन किससे करवानी हमें है, एल्कोहल के साथ करवानी है बेटा। तो जब एल्कोहल को, एल्कोहल का समान सूत्र बेटा प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है बेटा, आर ओ एच होता है, जैसा कि आप जानते हैं। जब एल्कोहल को पीसीएल फाइव के साथ, पीसीएल फाइव का मतलब बेटा क्या होता है, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड होता है, जब एल्कोहल को पीसीएल फाइव के साथ रिएक्शन करवा दे तो हमारा बनता है बेटा आर सी एल, मतलब क्या होता है, एल्किल क्लोराइड प्लस पी ओ सी एल थ्री और प्लस हमारा निकलता बेटा HCl। ये दैट इज ए कंप्लीट रिएक्शन बेटा हमारी है कि कभी भी अगर एल्कोहल को PCl5 के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो इससे बेटा हमारा क्या बनता है, एल्किल क्लोराइड बनता है। क्या मैंने कहा कि जब भी एल्कोहल को PCl5 के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो इससे हमारा क्या बनता है बेटा, एल्किल क्लोराइड POCl3 और क्या बनता है बेटा, HCl। जो मेन प्रोडक्ट वो हमारा क्या है बेटा, RCl, मतलब क्या होता है बेटा, एल्किल क्लोराइड बनता। और एल्किल क्लोराइड क्या है, ये हमारा मोनोहाइलो एल्केन कहलाता है बेटा। बात समझ में आ रहा है ना। अगर हम यहाँ पर एल्कोहल में बेटा कोई एग्जांपल लिखें तो आप जानते हैं एल्कोहलों में जो सबसे अच्छा एल्कोहल माना, जो गुड एग्जांपल माना जाता है वो हमारा होता है बेटा एथिल एल्कोहल होता है। क्या होता है, एथिल एल्कोहल। तो अगर एथिल एल्कोहल को PCl5 के साथ अगर आप रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा बेटा, इसके स्थान पर बनेगा C2H5 बेटा Cl प्लस POCl3 और प्लस निकल जाएगा हमारा क्या, HCl। ये जो आपने कंपाउंड ऑप्टेन किया है इसका नाम है एथिल क्लोराइड है बेटा। क्या है, एथिल क्लोराइड। और एथिल क्लोराइड क्या है, जैसा कि आप जानते हैं एक प्रकार का बेटा हमारा एल्किल हैलाइड होता है, या कह सकते हैं बेटा हमारा मोनोहैलो एल्केन होता है। तो एल्कोहल के अंतर्गत बेटा हमने पहली रिएक्शन जो पढ़ा वो रिएक्शन विथ क्या था बेटा, PCl5। यानी जब भी एल्कोहल को PCl5 के साथ रिएक्शन करते हैं तो इससे बेटा हमारा क्या मिलता है बेटा, एल्किल क्लोराइड मिलता। बात समझ में आ रहा है ना। एग्जाम्पल में मैंने बेटा एथिल एल्कोहल को लिया तो इससे हमें क्या मिला, एथिल क्लोराइड प्राप्त हुआ बेटा। ओके, ठीक। अब ये हमारी पहली रिएक्शन थी बेटा एल्कोहल के अंतर्गत। दूसरी रिएक्शन हमारी जो है इसी के अंतर्गत बेटा बी पॉइंट अगर हम बनाकर लिखें तो रिएक्शन विथ, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड, जिसको बेटा शॉर्टकट में बेटा हमने क्या कहा, एच एक्स के नाम से जानते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है बेटा, हमारा एच एक्स होता है बेटा। बात समझ में आ रहा है ना। एच एक्स का मतलब हाइड्रोजन हैलाइड होता है। हाइड्रोजन हैलाइड जो हमने, मैं आपको लिख दे रहा हूं बेटा, चार प्रकार के होते हैं। एक होता बेटा एच एफ, एक होता बेटा एच सी एल, एक होता बेटा एच बी आर और एक होता बेटा हमारा एच ए आई होता है। बात समझ में आ रहा है। तो हमारे जो हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं वो बेटा चार प्रकार के होते हैं, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हमारा फाइनल होता है बेटा हाइड्रोजन आयोडाइड होता है बेटा। एक और बात इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चारों प्रकार के जो हैलोजन हैं इसमें जो क्रियाशीलता का जो ऑर्डर होता है, जो क्रम होता है, ये हमारा होता है एच आई, फिर बेटा हमारा एच बी आर और इसके बाद बेटा होता है एच सी एल, इसके बाद बेटा हमारा होता है एच एफ। इसको आप याद रखेंगे कि हाइड्रोजन हैलाइड में जो रिएक्शन की जो बात करते हैं, जो
रिएक्शन में जो सबसे फास्ट रिएक्शन करता है, यानी क्रियाशीलता का ऑर्डर हम देखें तो सबसे फास्ट जो रिएक्शन करता है बेटा वो हमारा होता हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर हमारा होता हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फिर हमारा होता HCl, इसके बाद हमारा क्या होता बेटा HF होता है। ठीक है ना। तो कैसे रिएक्शन करेंगे बेटा कि जब भी हम एल्कोहल को, एल्कोहल का समासूत्र बेटा आप जानते हैं ROH होता है, और इसमें से कोई भी आप ले लें, इसमें तीनों में चारों में सबसे जो रिएक्शन के मामले में होता बेटा ये तीनों का अक्सर हम बेटा यूज करते हैं बेटा। ठीक है। तो यहां पर मैं किसी एक को ले लूं, मान लो बेटा मैंने HCl को ही ले लिया। किसको ले लिया बेटा? HCl को ले लिया है। लेकिन क्रियाशीलता का ऑर्डर आप जानते हैं, मैंने पहले बता दिया है कि कौन फास्ट रिएक्शन करता है। ठीक। तो जैसे इसके रिएक्शन मैंने करवाया तो क्या मिलेगा बेटा, देखें R यहां से क्या मिलेगा बेटा Cl, अब प्लस वहां से OH, यहां से H क्या बन जाएगा बेटा H2। और यह रिएक्शन ख्याल करना निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में होती है। ये जो रिएक्शन मैंने बताया किसको उपस्थिति में होती है? निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। जब भी एल्कोहल को HCl या HBr या HI, तीन सबसे इंपॉर्टेंट है, HF की रिएक्टिविटी बेटा क्या होती है? कम होती है। तो रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? मोनोहाइड्रल एल्केन मिलता है। यहां पर मैंने HCl यूज किया था, इससे बेटा क्या मिलेगा? एल्किल क्लोराइड मिलता। ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, दोबारा मैं लिख रहा हूं बेटा C2H5, आगे मैंने लिखा OH प्लस क्या लिया बेटा HCl, लो चाहे HBr ले लो, कोई भी ले लो बेटा, और किसको उपस्थिति में? निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, निर्जल यानी एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड अगर यूज करें हम तो क्या बनेगा? C2H5Cl प्लस H2O। बात समझ में आ रहा है? ये जो मैंने रिएक्शन लिखा है इसी रिएक्शन को बेटा हम लोग जो है ग्रुव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुव प्रक्रम, ग्रुव प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है कि जब भी निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में एल्कोहल को HCl के साथ रिएक्शन करवाया जाए या HBr के साथ करवाया जाए या HI के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो इससे बेटा हमें कुछ उसी प्रकार से संगत हैलो एल्केन प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं बेटा? ग्रुव प्रोसेस कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? और आपको याद रखना एक और इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, जो हमारे एल्कोहल होते हैं आपने पढ़ा होगा अच्छी तरीके से, जो हमारा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है वो हमारा कितने प्रकार का होता है बेटा? तीन प्रकार का। पिछले लेक्चर में हमारा एल्कोहल का चैप्टर आप जो मैंने पढ़ाया आपको देखेंगे आपको पता चलेगा कि जो तीनों एल्कोहल में जो अरेंजमेंट मैंने किया था कि तीनों प्रकार के एल्कोहल में सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करता है, तो मैंने आपको ऑर्डर बताया था कि टर्सरी एल्कोहल, क्या बेटा? टर्सरी एल्कोहल की रिएक्टिविटी यानी क्रियाशीलता बेटा सबसे ज्यादा होती है, इसके बाद सेकेंडरी एल्कोहल की होती है, और सबसे कम अगर क्रियाशील होता है अगर हाइड्रोहैलाइड की बात करें रिएक्शन के मामले में तो उस कंडीशन में जो हमारा प्राइमरी एल्कोहल होता है यह सबसे स्लो रिएक्शन शो करता है बेटा। ये मैंने आपको ऑर्डर बताया था कि जब भी आप हाइड्रोहैलाइड के रिएक्शन बेटा एल्कोहल से करिएगा तो उस कंडीशन में आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा बेटा वो एल्किल हैलाइड ही मिलेगा। लेकिन एल्कोहलों में जो तीन कैटेगरी मैंने आपको पढ़ाई थी, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और बेटा कौन सा? टर्सरी एल्कोहल, तो तीनों प्रकार के एल्कोहलों में जो सबसे फास्ट रिएक्शन करता था वो हमारा टर्सरी एल्कोहल होता था, सेकेंडरी एल्कोहल होता था, और हमारा क्या होता बेटा? प्राइमरी एल्कोहल होता है। अगर हाइड्रोजन हैलाइड की बात करें तो HI सबसे फास्ट होता है, HBr इसके बाद HCl, और सबसे कम स्लो जो होता है बेटा वो क्या होता है? हमारा HF होता है। तो ये मैंने आपको क्या बताया? कुछ ऑर्डर बताए और रिएक्शन के मामले में बताया कि कौन किससे क्या रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बना सकता है। आई होप आपको ये रिएक्शन और ये जो मैं थोड़ी सी बात इसके बारे में बताया, ऑर्डर की बात बताई, आपको समझ में आया। ठीक है। तो एल्कोहल के अंतर्गत बेटा हमने दो रिएक्शन को कवर कर लिया, दो हेडिंग के द्वारा कैसे हम मोनो हैलो एल्केन को बना सकते। ओके तो आइए अब हम तीसरी रिएक्शन इसी के अंदर सी पॉइंट बेटा जानते हैं, रिएक्शन विथ PCl3 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। यानी जब भी एल्कोहल की रिएक्शन PCl3 से होगी तो
तो इससे भी एल्किल हैलाइड मिलेगा, इसका मतलब बेटा क्या मिलेगा, RCl मिलेगा। कैसे रिएक्शन होती है, एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है बेटा आप जानते हैं होता है ROH, किस रिएक्शन करवा रहे हैं PCl3 से करवा रहे हैं बेटा। तो जैसे इसके रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है आप जानते हैं, बनता हमारा बेटा RCl बनता बेटा। क्योंकि अगर बैलेंस रिएक्शन की बात करें तो आपको समझ में आएगा कि यहां से बेटा हम तीन से क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्ल करेंगे, तो तीन यहां पर होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा तीन से यहां पर बराबर करेंगे तो क्लोरीन बराबर होगा, और इसके साथ एक और अम्ल बनता है बेटा, इसका नाम होता है H3PO3 होता है बेटा। क्या होता है, यहां पर बैलेंस करेंगे आप तीन से मल्टीप्ल करेंगे अल्कोहल में, तो ये हमारा कंप्लीट रिएक्शन तो है ही है, साथ में बैलेंस रिएक्शन भी है, इसका नाम है एल्किल क्लोराइड है। ये जो एसिड मिला है इसका नाम है ऑर्थोफास्फोरस अम्ल, क्या बेटा है, ऑर्थोफास्फोरस अम्ल है बेटा। तो जब भी एल्कोहल की रिएक्शन PCl3 से होती है तो इससे बेटा एल्किल हैलाइड का मतलब एल्किल क्लोराइड मिलेगा, और साथ में बेटा हमारा क्या मिलेगा, H3PO3 दैट इज ऑर्थोफास्फोरस अम्ल मिलेगा। तो हम लोगों ने एल्कोहल के अंतर्गत बेटा तीन रिएक्शन को बेटा क्या कर लिया बेटा, कंप्लीट कर लिया बेटा। अब सबसे लास्ट और सबसे फोर्थ रिएक्शन जो होती है उसको आप पढ़े होंगे बेटा, अगर हमारे जो लेक्चर इससे पहले हमने पढ़ाया है आप लोगों को, एल्कोहल का चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने इसको पढ़ाया था, ये हमारे जो सबसे डी और सबसे लास्ट रिएक्शन है एल्कोहल की वो होती है बेटा रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। क्या सूत्र है, SOCl2, क्या नाम इसका है, थायोनिल क्लोराइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा। कैसे, इसमें होता क्या बेटा है कि जब एल्कोहल को, किसको बेटा, एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन क्षार होता, हमारा कौन सा क्षार होता है, पिरिडीन, क्या होता बेटा, पिरिडीन क्या होता हमारा, क्षार होता जिसका सूत्र C5H5N होता, क्या होता है, C5H5 बेटा क्या होता है, N होता है। तो जब भी एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो इससे बेटा हमारा बनता है एल्किल क्लोराइड बनता है, और साथ में कुछ और भी चीजें निकलती हैं, जैसे बेटा हमारा HCl निकलता है और साथ साथ में SO2 गैस भी निकल जाती है। इस रिएक्शन को आपने पढ़ा होगा कि जब भी पिरिडीन की उपस्थिति में एल्कोहल को, किसको बेटा, एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो इससे बेटा हमारा एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को बेटा आपने पढ़ा होगा डार्ज़ेन अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, डार्ज़ेन अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, डार्ज़ेन अभिक्रिया कहते हैं। इस रिएक्शन की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बेटा, याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये रिएक्शन हो जाती है तो इस रिएक्शन में जो हमारा HCl होता है बेटा, चूंकि एसिडिक नेचर है, कैसा नेचर है, एसिडिक यानी अम्ल होता है, और पिरिडीन क्या होता है हमारा बेटा, बेस होता है, तो HCl जो होता है बेटा वो पिरिडीन के द्वारा क्या कर लिया जाता है बेटा, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बेटा, मेरी बात समझ में आ रहा है ना। तो HCl जब पिरिडीन के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारा, एल्किल क्लोराइड बचेगा और हमारा बचेगा SO2 गैस। तो SO2 गैस क्या होती है बेटा, वो हमारा क्या होती है बेटा, बाहर निकल जाती है गैस के फॉर्म में। तो हमारी जो बीकर होता है, जो परखनली होती है, उसमें शुद्ध रूप में हमारा क्या बनेगा बेटा, RCl बचता है। तो कहने का मतलब एल्किल क्लोराइड बनाने की जो डार्ज़ेन अभिक्रिया होती है सबसे उत्तम विधि मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, तो मैंने बताया कि जब रिएक्शन आपका कंप्लीट होता है तो इसमें जो HCl अम्ल बनता है बेटा, ये पिरिडीन के द्वारा बेटा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, और बची हुई जो SO2 गैस होती है वो बेटा कहाँ चली जाती है, परखनली से बाहर चली जाती है। तो शुद्ध अवस्था में परखनली में हमारा क्या बचता, केवल RCl बचता है, यानी एल्किल क्लोराइड बनता है, ठीक है। तो एल्किल क्लोराइड बनाने की जो बेटा ये डार्ज़ेन अभिक्रिया होती है, ये एल्कोहल से जो हमने इस तरह से करवाया है, ये सबसे अच्छी और सबसे सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, ठीक है। तो हम लोगों ने एल्कोहल के द्वारा जो चार रिएक्शन की स्टडी किया है, और चारों में मैंने एल्कोहल का जो यूज करके जो प्रोडक्ट ऑप्टेन किया था वो हमारा क्या था बेटा, मोनोहैलो एल्केन था, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर कोई भी एल्कोहल में कोई कार्बन संख्या काउंट करे तो उसी के हिसाब से बेटा हमारा एल्किल क्लोराइड बने, ठीक है। तो हम लोगों ने बेटा एल्कोहल के द्वारा जो है मोनोहैलो एल्केन को भिन्न भिन्न एग्जाम्पल को सारा ले करके बेटा ऑप्टेन कर लिया बेटा, मेरी बात समझ में आ रहा है ना, ठीक। दूसरा हमारा क्या मेथड है बेटा,
दूसरी जो रिएक्शन बेटा है, दूसरी जो मेथड है बनाने की अल्कोहल की, सॉरी मोनोहाइलो एल्केन है, वो है बेटा बाई एल्केन, बाई एल्केन, यानी एल्केन से हम मोनोहाइलो एल्केन को कैसे प्राप्त करेंगे बेटा। बात समझ में आ रहा ना? तो कैसे हम मोनोहाइलो एल्केन को बेटा एल्केन से प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए बेटा हम जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं एल्केन का जो समान सूत्र होता बेटा वो होता हमारा RH होता, दैट इज एल्केन, ये हमारा क्या बेटा है, एल्केन होता है। तो एल्केन को जब किसी हम हैलोजन के साथ, किसके साथ, हरियो साथ, इसमें जो हमारा हैलोजन होता बेटा वो फ्लोरीन को छोड़ करके, बाकी चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे बेटा हमारा क्या हो, आयोडीन हो, इन तीनों में से कोई भी यूज करे, लेकिन फ्लोरीन का यूज नहीं किया जाता है। तो कहने का मतलब जब भी एल्केन को बेटा हम हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, हैलोजन का सूत्र बेटा क्या होता है, X2 होता है। X2 क्यों? क्योंकि जो हैलोजन होता है बेटा वो डाइमर के फॉर्म में होता है, यानी दुई अणुक होता है। कितना अणुक होता है बेटा? दुई अणुक होता है। और इसकी जो रिएक्शन होती है बेटा, ये सनलाइट, सनलाइट का सिंबल बेटा क्या होता है, H नहीं होता बेटा, यानी जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन को बेटा हैलोजन के साथ, और हैलोजन मैंने बताया कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन होता है, इसमें फ्लोरीन को छोड़ करके चाहे बेटा क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे क्या हमारा हो, आयोडीन हो, इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो इससे बेटा हमारा क्या बनता है बेटा, RX प्लस निकल जाएगा बेटा HX, दैट इज हैलो एल्केन, दैट इज हैलो एल्केन। बात समझ में आ रहा है बेटा? तो ये है कि जब भी एल्केन को सूर्य के प्रकाश को बचते में हैलोजन से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता है बेटा, हमारा हैलो एल्केन प्राप्त होता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, अगर हम CH4 ले ले बेटा, क्या ले ले, मेथेन ले ले, और इसकी रिएक्शन बेटा अगर हम करवा रहे हैं बेटा, एक हैलोजन है, कौन सा है, क्लोरीन है, और यह रिएक्शन किसको बचते में हो रही है बेटा, सनलाइट को बचते में हो रही है बेटा, तो इससे क्या होता हमारा मिलेगा बेटा, CH3Cl प्लस बेटा क्या निकल जाएगा हमारा, HCl। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? लेकिन एक खास तौर पर बात याद रखना बेटा कि अगर हम मेथेन हो चाहे एथेन हो, चूंकि हमारे एल्केन है, अगर इसमें हम हाइलोजन की एक्सेस मात्रा में रिएक्शन करवाएं, यानी हाइलोजन को बेटा हम क्या करें, अधिक से अधिक मात्रा में डालते रहें, तो यह रिएक्शन तब तक होती रहती है जब तक कि कार्बन से लगे हुए संपूर्ण हाइड्रोजन बेटा उस हाइलोजन के द्वारा बेटा हट ना जाए। ये जो टेक्निक है, जो प्रक्रिया होती है, इसी को बेटा हम लोग क्लोरीनेशन कहते हैं, या क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का मतलब क्या है कि जब रिएक्शन क्लोरीन से करवाएंगे तो बेटा उसको क्लोरीनेशन कह रहा है, अगर ब्रोमीन से करवाएंगे तो उसको क्या कहना, ब्रोमीनेशन कहते हैं। अगर आपने वही रिएक्शन एल्केन को आयोडीन से करवाया तो इसको बेटा हम आयोडीनेशन के नाम से जानते हैं। क्या मैंने कहा कि अगर एल्केन की रिएक्शन बेटा क्लोरीन से करवाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्लोरीनेशन कहते हैं। ब्रोमीन से करवाना तो ब्रोमीनेशन कहते हैं, और अगर आयोडीन से करवाते हैं तो उसको बेटा आयोडीनेशन कहते हैं बेटा। ये जो रिएक्शन है ये बेटा सतत होती है, सतत का मतलब लगातार होती है। क्यों होती है? क्योंकि होता क्या बेटा कि इसमें मुक्त मूलक का फॉर्मेशन होता है। मुक्त मूलक को इंग्लिश में बेटा फ्री रेडिकल के नाम से जानते हैं, क्योंकि रेडिकल बनता है, वो अटैक करता रहता है बेटा एल्केन पर। वो तब तक अटैक करेगा जब तक कि एल्केन में से जो कार्बन से संपूर्ण हाइड्रोजन होते हैं जब तक हट नहीं जाते हैं, तब तक हमारा हाइड्रोजन जो उस पर अटैक करता रहता है। इसलिए इसको बेटा हम सतत माने क्या होता है, लगातार हैलोजनीकरण के नाम से जानते हैं। और हैलोजन में जो मैंने बताया, अगर क्लोरीन यूज करना तो बेटा क्लोरीनेशन कहते हैं, यानी क्लोरीनीकरण हिंदी में कहते हैं। ब्रोमीन से करवाएंगे तो ब्रोमीनेशन यानी ब्रोमीनीकरण कहेंगे, और अगर आयोडीन से करवाएंगे तो आयोडीनेशन मतलब क्या होता है बेटा, आयोडीनीकरण कहते हैं बेटा। तो आइए एक रिएक्शन बेटा जो हम इस प्रकार से बेटा देख लेते हैं बेटा, कैसे रिएक्शन होगी। मीथेन ही है हमारा रिएक्शन, मैंने करवाया Cl2 के साथ, किसको बचते में, HNew। तो क्या बनेगा, सबसे पहले CH3 बनेगा, Cl प्लस क्या निकल जाएगा बेटा हमारा, HCl। बात समझ में आ रहा है ना? अभी आप देखें कि जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसमें भी कार्बन से, मैंने बताया है कि एल्केन में जितने कार्बन, सॉरी एल्केन में कार्बन से लगे जितने हाइड्रोजन होते हैं, यह तब तक रिएक्शन होती है हैलोजन के द्वारा जब तक कि उस कार्बन से लगे संपूर्ण हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन के द्वारा हट नहीं जाते हैं। तो अभी पहली बार आपने रिएक्शन करा और एक्सेस मात्रा में मैंने बताया होती है ये, तो ऐसी कंडीशन होती है। तो अभी देखा आपने इस मेथेन से बेटा जो प्रोडक्ट बना हुआ है
उसमें भी अभी कार्बन से कितना हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, 3। तो क्या यह रिएक्शन हाइड्रोजन से करेगा? बिल्कुल करेगा। तो क्या होगा हमारा CH3Cl+ हमारा हो जाएगा Cl2। वही कंडीशन आपकी बार क्या होगा बेटा, CH2Cl2+ निकल जाएगा बेटा HCl बेटा। ओके, अभी जो प्रोडक्ट बना हुआ उसमें कार्बन से बेटा हाइड्रोजन दिखा है, तो इसका मतलब आगे भी अभी रिएक्शन होगी CH2Cl2 और प्लस हमारा हो जाएगा Cl2। वही कंडीशन, तो क्या होगा CHCl3 और प्लस क्या निकल जाएगा बेटा हमारा HCl। क्या अभी रिएक्शन होगी? जी बिल्कुल होगी, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं जो प्रोडक्ट आपने किया है, अभी भी उसमें कार्बन से एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। तो क्या होगा CHCl3+ हमारा हो जाएगा Cl2, फिर क्या होगा बेटा CCl4 और प्लस क्या हो जाएगा बेटा HCl। क्या आगे रिएक्शन होगी? अब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने देखा कि कार्बन से जितने हाइड्रोजन एटम थे वो सब का प्रतिस्थापन क्लोरीन के द्वारा हो गया, और लास्ट में आपने देखा कि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन के स्थान पर बेटा 4 क्लोरीन एटम आ गए। तो ये जो रिएक्शन है जो कि क्लोरीन से करवाया है, इसे इसका नाम रखा गया बेटा है क्लोरीनेशन। क्या कहते हैं? क्लोरीनेशन मतलब होता है क्लोरीनीकरण बेटा, ठीक है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अक्सर बेटा जो एग्जाम में आती है। और रिएक्शन किसके द्वारा होती है? मैंने बताया फ्री रेडिकल के द्वारा होती है। फ्री रेडिकल का मतलब बेटा क्या होता है? मुक्त मूलक अभिक्रिया। कैसे अभिक्रिया है? मुक्त मूलक अभिक्रिया कहते हैं इसे। ऐसे रिएक्शन को बेटा हम क्या कहते हैं? मुक्त मूलक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं बेटा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बेटा जो मोनोहैलोजन के बारे में जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसके अंतर्गत बेटा हमने 2 रिएक्शन को बेटा स्टडी किया। बाकी जो बची हुई रिएक्शन है बेटा, जब हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तब आपको बेटा उसके बारे में बताएंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद बेटा।